हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कल से आप में से काफी सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग फ्री फायर की न्यू अपडेट OB39 की APK फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को फ्री फायर की न्यू अपडेट OB39 की APK फाइल डाउनलोड करनी है तो वो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने फ्री फायर पहले से इंस्टॉल की हुई है, आप लोग उसको अपडेट करना चाहते हो तो ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो। सो चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर में OB39 अपडेट को खेलना चाहते हो तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये होता है कि आप लोग न्यू अपडेट की APK फाइल को डाउनलोड करते हो, उसको आप लोग अपने मोबाइल या फिर एमुलेटर में इंस्टॉल करने के बाद इजीली प्ले कर सकते हो। और सेकंड मेथड ये होता है कि अगर आप लोगों ने पहले से फ्री फायर को इंस्टॉल किया हो तो आप लोग उसको अपडेट भी कर सकते हो। सबसे पहले गाइस अगर बात की जाए कि आप लोग फ्री फायर की न्यू अपडेट OB39 की APK फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो कल 22 मार्च को हमारी गेम में मेंटेनेंस ब्रेक आने वाली है जो 9:30 से 1:30 बजे तक रहे। जैसे ही मेंटेनेंस ब्रेक आएगी तो उसी दौरान मैं आप लोगों को फ्री फायर की न्यू अपडेट की APK फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को इस वाली वीडियो के पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूं। साथ ही मैं उस पे एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा जिसको आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकोगे, और वो जो वीडियो होगी वो कल मैं आप लोगों को 10 या फिर 11 बजे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने पहले से फ्री फायर को इंस्टॉल किया हुआ है, लाइक अगर आप लोगों ने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है या फिर एमुलेटर में, और आप लोग उसको अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग अपडेट भी कर सकते हो। इसके लिए सिंपली से आप लोगों को ये करना होगा कि कोई भी एक VPN आप लोगों ने अपने PC या फिर मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। VPN इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग इंडोनेशिया कंट्री से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक न्यू Gmail अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अकाउंट को बनाने के बाद आप लोग इजीली प्ले स्टोर के थ्रू भी नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग प्ले स्टोर से फ्री फायर को अपडेट नहीं करना चाहते तो आप लोग रोडा एप स्टोर या फिर हवावी एप गैलरी को भी इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप लोग APK फाइल्स को अपडेट कर सकते हो। फ्री फायर मैक्स तो वैसे भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोग इंडियन सर्वर से हो तो फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा OB39 अपडेट के बाद फ्री फायर मैक्स को काफी सर्वर्स में प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज फ्री फायर का कहना है कि जहां पे नॉर्मल फ्री फायर चल रही है वहां पे लोग फ्री फायर मैक्स को ज्यादा नहीं खेलते, लेकिन इंडियन सर्वर में क्योंकि नॉर्मल फ्री फायर अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे सो वहां पे फ्री फायर मैक्स रहेगी। अभी के टाइम में अगर नॉर्मल फ्री फायर के लिए गुड न्यूज की बात की जाए तो वो यही है कि BGMI अगर अनबैन होती है तो फ्री फायर के अनबैन होने के भी काफी चांसेस हैं। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।